खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद मुजाल्दा ने नर्मदा किनारे वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है, जहां वे तपतपाती धूप में घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान चर्चा करते हुए फीका जनसंपर्क होने की बात पर उन्होंने क्षेत्र में शादियों के चलते अभी माहौल नहीं बनने की बात कही। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा दिग्विजय सिंह को आतंकी बताने के सवाल के जवाब में मुजाल्दा ने कहा कि साध्वी को पता होना चाहिए आतंकी कैसा होता है, साध्वी है तो वैसा ही आचरण होना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ को झूठा बताने के आरोप को लेकर कहा कि कांग्रेस ने 80% वादे पूरे कर दिए हैं, वहीं बीजेपी ने राम मंदिर के रुपयों से अपने कार्यालय बना लिए और दूसरों को झूठा बताया जा रहा है। इसको फीका थोड़ी बोलेंगे, तो शादियाँ चल रही थोड़ा है, नहीं तो बाकी दौड़ रहे गाँव में घर घर जाकर देख रहे, तो इसलिए अच्छा चल रहा है बोले। आपके पूर्व जिला अध्यक्ष बगावत कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं मना लेंगे। नहीं अभी कहाँ उनकी कोई बात आ रही है, नहीं लड़ेंगे वो, नहीं उन्होंने मान जाएंगे, उन्होंने बयान दिया है कि मैं लड़ूंगा निर्दलीय। ठीक है वो बोल रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ होगा नहीं। अभी मैं बोलता हूँ, पहले बोलते हूँ, अब आगे बोलते रहूँगा। बड़े भाई हमारे बताए लड़ेंगे, आपकी सस्ता नहीं है। नहीं वो तो आपको मैं बोलना है कि है ऐसा नहीं, आप चाहो तो जाँच सर कर सकते हैं कागजों की। बिल्कुल मैं परमानेंट लाइफ मेंबर हूँ कांग्रेस का। आपको पैराशूट उम्मीदवार सब जगह बोल रहे हैं, नहीं ये कार्यकर्ता भी उनके साथ दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रकोष्ठ हैं अलग अलग, कोई मजदूर प्रकोष्ठ मजदूरी वालों का रहता है, तो कोई कर्मचारी कांग्रेस रहती है, तो कोई दूसरा रहता है। वैसे मैं कर्मचारी कांग्रेस से था, ऐसी कोई बात नहीं, और बचपन से पैदाइश से हम कांग्रेसी हैं, माता पिता सब कांग्रेस में वोट करते हैं। मेरे गाँव को देखेंगे आप तो 25-30 वोट से ज़्यादा बीजेपी को जाते नहीं कभी। मुजाल्दा ये बताइए, साध्वी प्रज्ञा ने दिग्विजय सिंह जो वरिष्ठ नेता उनको आतंकी कहा है, क्या कहेंगे आप इसको? इनके बारे में उनका जो सोच है वो अपने को हमारे समझ के बाहर है। आतंकी कैसा होता है, कैसा रहना चाहिए, उसके हिसाब से उनको सोचना चाहिए। अब इतने बड़े व्यक्ति हैं वो, साध्वी जी हैं, अब साध्वी जी के साथ आचरण होना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम क्यों बोला, कैसे बोला, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। दूसरी ओर पूर्व CM शिवराज कह रहे हैं कमलनाथ झूठे हैं, जो भी वादे किए सब झूठे किए। ये तो आप लोग भली बातें जानते हैं कि जितने वादे किए 80% वादे पूरे कर दिए कांग्रेस ने, पर उनके वादे एक भी नहीं पूरा हुआ है, कोई सा भी नहीं पूरा हुआ है। राम मंदिर का पैसा सब उनमें अपने कार्यालय में लगा दिया, और दूसरों को झूठा बोलते हैं, आप खुद समझदार हैं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त? 100%, और वो भी लाखों से। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट।